चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, इधर देखना प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये हमें हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा मिनिमम। ठीक है, व्हेन द रेडिएशन इमिटेड बाय द हाइड्रोजन, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट इज इमिटेड बाय द हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम रेडिएशन कब इमिट करेगा यार? ठीक है, रेडिएशन तब इमिट करेगा जब उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके डी एक्साइट होगा। तो सबसे पहले एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक बात अच्छे से समझ लो, आईआईटी, जेई, मेंस, एडवांस, नीट जो भी है, वो इधर जो है लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पे तो ये सारी डेटा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं। देखो, जो एनर्जी लेवल है, फिक्स्ड होती है एनर्जी लेवल, हर एक एनर्जी जो लेवल होती है वो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, और वो एन इज इक्वल टू 1 से लेके एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4 एंड एन इज इक्वल टू 5 डॉट 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 अप टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक होती है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी पा गया भाई, कहीं से कोई एनर्जी दे दिया, ठीक है, बेचारे को। तो ये जो बेचारा है अकेला है बेचारा यार, सिंगल, इसकी कभी डबल नहीं होता, हाइड्रोजन में सिंगल रहता है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा के क्या होता है, कभी एक्साइट होगा यार। ठीक है, चलो मान लो एक्साइट हो गया और ये एक्साइट होके एन इज इक्वल टू 4 में चला गया, पर इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये जो एक्साइट हो गया एन इज इक्वल टू 4 में, वो बहुत कम टाइम तक रहता है, 10^-8 सेकेंड तक एवरेज टाइम है। ठीक है, ये एवरेज टाइम है, मतलब 10^-1, 10^-2, 10^-3 किसी भी टाइम वो डी एक्साइट होके कहीं भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और कहीं भी इन तीनों ऑर्बिट में आ सकता है। ये तो बात समझ में आ गया होगा आपको। तो जब वो डी एक्साइट होता है तो उस डी एक्साइटेशन में प्यारे बच्चों वो फोटॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, डी एक्साइटेशन में यहाँ से फोटॉन्स जनरेट करता है और यही फोटॉन्स रेडिएशन है। ठीक है, ये फोटॉन्स जनरेट किया, कब जनरेट किया, एक्साइट होके डी एक्साइट हुआ, कब डी एक्साइट होगा ये इस दुनिया में किसी को नहीं पता हो, कब वापस आएगा। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज जो 10^-8 सेकेंड है वो एक एवरेज टाइम है यार। ठीक है, चलो तो ये जो लैम्डा है इस फोटोन की, वो हमें मिनिमम निकालनी है यहाँ पे। अब लैम्डा मिनिमम कब होगी ये समझो, तो जो दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी का डिफरेंस है, दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी का डिफरेंस हो वो एच न्यू है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगी तो जो फोटॉन्स बाहर आया उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और ये एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा इज इक्वल टू SC अपन लैम्डा भी लिखा जा सकता है, और ये जो डिफरेंस है वो अगर मैक्सिमम होगी तो इस समय फोटॉन की जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ कब जनरेट होगी। अब आके ये चीज़ यहाँ पर देखो कब होगी, तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कब होगी यार? एनर्जी डिफरेंस हम सबको पता है ग्राउंड स्टेट ये है, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 है, तो ग्राउंड स्टेट से मैं ऊपर जाता हूँ तो हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ती चली जाती है, और मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो जीरो होती है और वो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी को होती है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो मिनिमम होती है और उसकी वैल्यू होती है -13.6 n² z² वॉट एवर जो भी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होती है। अब डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा यार? डिफरेंस मैक्सिमम तब होगा जब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी में जाएगा, ग्राउंड से इन्फिनिटी में जाएगा, तब वो मैक्सिमम एनर्जी होगा, और फिर इन्फिनिटी से अगर ग्राउंड में जंप करेगा, इन्फिनिटी से समझना भाई, जाएगा तो आएगा भी, तो इन्फिनिटी से अगर जंप करेगा तो उस वक्त लैम्डा मिनिमम होती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये बात हमको समझ में आ गया होगा
कि मैक्सिमम एनर्जी डेल्टा, मैक्सिमम एनर्जी तब होगी जब कहाँ से जंपिंग होगी, एन इज इक्वल टू, यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ यहाँ से जो है एनर्जी, आप यहाँ से रुक जाओ मेरे भाई, यहाँ से चलो, तो यहाँ से एन वन इज इक्वल टू वन में जंपिंग होगी, ठीक है, और एन टू इज इक्वल टू कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो उस वक्त जो है वो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगी और जो फोटॉन बाहर आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और लैम्बडा मिनिमम होगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ढंग से समझ लो, अच्छे से समझ लो प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो तो अब हमें मिनिमम ही निकालना है, अगर इसके कंपेयर में अगर मैक्सिमम थोड़ा सा अगर है तो अभी नहीं पर कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, समझ लो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कब होगी, ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कब होगी, जब एन वन इज इक्वल टू वन में जंपिंग होगी, और कहाँ से जंपिंग होगी यार, एन टू इज इक्वल टू टू से, उस वक्त जो फोटोन बाहर आया उसकी फ्रिक्वेंसी मिनिमम होगी और लैमडा उसकी मैक्सिमम होगी, एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऊपर यहाँ से जंपिंग होगी भाई, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो के किसी भी तरह से उसको बेचारे को एनर्जी मिल गई, कहीं से पा गया और वो चला गया एन इज इक्वल टू टू में, तो जब एन इज इक्वल टू टू से डी एक्साइट होगा तो जो फोटॉन्स बाहर आया, ये जो फोटॉन्स बाहर आया, इस फोटॉन की जो लैम्डा होगी वो मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी और इस फोटॉन के पास जो एनर्जी है इन दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के इक्वल है वो मिनिमम होगी। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का केस आप याद कर लो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो अभी हमें हाइड्रोजन के लिए निकालना है, तो अब इसको करने के दो तरीके हैं यार, ठीक है, दोनों तरीके हम मैं बता देता हूँ, आप बेहतर तरीके से कर लो, जो भी आपको मेरे प्यारे बच्चों अच्छे लगे। तो चलो पहला फर्स्ट मेथड मैं आपको पहले ही बताया हूँ, जो आसान मेथड है, एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एस सी अपन लैम्बडा, ठीक है, तो इस वाले से भी कर सकते हो आप, और एस सी वर्मा में ये जो सोल्यूशन है वो नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो अब एन इज इक्वल टू वन में माई एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट डॉट डॉट, और बीच में बहुत हो गई है, और एन इज इक्वल टू टू यहाँ इन्फिनिटी है, तो ये यहाँ से, तो ये इसकी एनर्जी कितनी है, ज़ीरो, ठीक है, और इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6, तो इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा वो जीरो माइनस माइनस 13.6, दैट इज +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ जो एनर्जी जो लैम्डा है, अब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम होगी, तो लैम्डा मिनिमम एससी की वैल्यू नैनोमीटर में 12402 रख दो और एनर्जी डिफरेंस 13.6 रख दो, तो यहाँ से जो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 23 नैनोमीटर आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। दूसरा मेथड मैं आपको बताया था, उसको जल्दी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर उससे भी आप कर सकते हो, पर एग्ज़ाम में नहीं करना क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाता है, रिकवर कॉन्स्टेंट की वैल्यू वगैरह, और वो तुम गलती कर दोगे, ठीक है। सेकेंड मेथड है, अब वन अपन लैमडा मिनिमम इज इक्वल टू रिकबर कॉन्स्टेंट वन अपन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपन एन टू स्क्वायर, तो वैल्यू रखो, तो रिकबर कॉन्स्टेंट आर और वन अपन एन वन, वन का स्क्वायर माइनस वन अपन एन टू, इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी वन अपन लैमडा मिनिमम, तो लैमडा मिनिमम यहाँ की जो वैल्यू आ जाएगी लैमडा मिनिमम वो बेसिकली वन अपन आर के इक्वल आ जाएगा, और रिकबर कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻⁷ होती है, तो जब इसको रखोगे तो 1.1 × 10⁻⁷ और इसकी वैल्यू जो होती है वो आ जाती है 91 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा गलती हो गया प्यारे बच्चों, माफ़ कर देना भाई यहाँ से, तो यहाँ जो लैम्डा मिनिमम जो आती है 23 नहीं आती है, ये आती है 91 नैनोमीटर। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट केस प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब यही कार्यक्रम, यही जो ड्रामा है, ये ड्रामा हमें दूसरे वाले के लिए भी करना है। तो दूसरा वाला कौन है, हीलियम प्लस वन है, तो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा कहीं चला गया है, तो हीलियम में एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो इसको हम दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो दूसरे पार्ट को
चलो सॉल्व करते हैं हीलियम के लिए, दूसरा बार हीलियम के लिए प्लस लैम्डा मिनिमम निकालो, ठीक है। तो बी केयरफुल, हीलियम के लिए जो अब निकालोगे तो हीलियम की एनर्जी लेवल हमें पता तो है नहीं भाई, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 3, और हाइड्रोजन था तो एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन की तो एनर्जी हमें याद थी, लेकिन हीलियम की तो याद नहीं है ना यार, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो हीलियम की याद नहीं है तो हमें मजबूर है, हमारी मजबूरी है रिकबर वाला फार्मूला लगाना, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R(Z)² 1 अपॉन N1² और -1 अपॉन N2². ये जो खतरनाक वाला फार्मूला है थोड़ा सा, ये इसको लगाना यहाँ पर हमारी मजबूरी है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि हमें Z² हाइड्रोजन नहीं है जो एनर्जी लेवल याद है। तो यहाँ पर ये बात तो पता है कि लैम्डा मिनिमम कब होगी, जब Nn इक्वल टू 2 होगा और N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगी, उस वक्त एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई मैक्सिमम होगा और फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी और एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगी, ये वाली चीज़ है, और लैम्डा मिनिमम होगा। तो चलो, तो ये यहाँ पर अगर मैं हम सबको पता है कि 1 अपॉन रिकबर कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है 1.1 × 10⁻¹⁷ है, तो 1 अपॉन रिकबर की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन रिकबर की 1.11 × 10⁻¹⁷ और यह आ जाएगा 91 नैनोमीटर 1 अपॉन है। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम जो आ जाएगी वो रखो इसको, रिकबर कॉन्स्टेंट की वैल्यू चलो मैं बाद में रखूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और हाइड्रोजन हीलियम है तो यह आ जाएगा 4 और 1 अपॉन 1² और -1 अपॉन इन्फिनिटी ये भाई। तो फाइनली ये जो है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, रेड, यार रेड इज ए वेरी वेरी डेंजरस कलर, इट इज़ द सिंबल ऑफ डेंजरस। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन यहाँ से लैम्डा मिनिमम आ जाएगी 1 अपॉन रिकबर कॉन्स्टेंट और यहाँ से डिवाइडेड बाई 4। 1 अपॉन रिकबर कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है 91 है और डिवाइड कर दूँ मैं 4 से, तो ये पूरा जो आता है वो 23 नैनोमीटर आ जाता है। नैनोमीटर, बी केयरफुल, दिस इज़ द नैनोमीटर। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 2। तो चलो ये हमें मिल गया प्रॉब्लम नंबर 3। 3 वाला देख लो, तो 3 वाला में यही ड्रामा हमें 3 वाला में भी करना है, सेम मुजरा सेम ड्रामा हमें 3 वाला में करना है। लिथियम थर्ड, तो लिथियम थर्ड में भी हमें बेसिकली प्यारे बच्चों लिथियम लिथियम जो है थर्ड में हमें ये वाला, तो लिथियम थर्ड में 1 अपॉन रिकबर कॉन्स्टेंट की वैल्यू 91 अभी हम निकाल के लेके आए, नैनोमीटर है, तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रिकबर कॉन्स्टेंट R(Z)² 1 अपॉन N1² -1 अपॉन N2² बहुत सारे बच्चे बेचारे कमेंट करते हैं सर समझ में, इसलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, R लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 1 अपॉन मिनिमम होगा जब 1² 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन R(9) आ जाएगा, 1 अपॉन R की वैल्यू 91 अपॉन 9, तो 91 अपॉन 9 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 110 अप्रॉक्सीमेटली नैनोमीटर ये आ जाएगा। दिस इज द लैम्डा मिनिमम इन द केस ऑफ द लिथियम। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।